प्रसिद्ध भारतीय विधि शास्त्री, राजनेता, दर्शन शास्त्री, विचारक, इतिहासकार, लेखक, विद्वान, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें सब बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी आवाज बाई पोषण। आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के बारे में। भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन हिंदू जाति व्यवस्था और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत किया। वह देश में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के घोर आलोचक थे तथा वे शिक्षा एवं संगठन के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। उन्हें संविधान का निर्माता तथा भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार, मतलब आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वह संविधान का निर्माण करने हेतु गठित कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण किया, हजारों अछूतों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। दोस्तों, 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस महान व्यक्तित्व का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत समझी जाती थी और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से हेय मानी जाती थी। अंबेडकर के पूर्वजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में काम किया था और उनके पिता रामजी सतपाल मऊ कंटोनमेंट में भारतीय सेना में सेवारत रहे। अंबेडकर को इस छुआछूत से तीव्र पीड़ा होती थी। अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। अपने सब भाई बहनों में से एकमात्र वही उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विद्यार्थी जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा गरीब एवं दलित परिवारों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष एवं कठिनाइयों का सामना करते रहे। उनके पिता ने अपने सेना के पद के प्रभुत्व का प्रयोग कर अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला तो दिलवा दिया, किंतु वहां भी भेदभाव का बोलबाला था। छोटी जाति के लोगों को कक्षा में अलग से बिठाया जाता था और उनको सबके लिए रखे गए घड़े से पानी पीना वर्जित था। जब भी दलित वर्ग के किसी विद्यार्थी को पानी पीना होता था तो चपरासी उसे ऊपर से डालकर पानी पिलाया करता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का निर्माण करने के दौरान साउथ बोरोग कमेटी ने उन्हें आमंत्रित किया। अंबेडकर ने दलित वर्ग और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन और आरक्षण की मांग की। 1920 में उन्होंने कोल्हापुर के महाराज शाहू जी प्रथम के सहयोग से मूक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट नामक एक जर्नल निकाला। अपने इस जर्नल के द्वारा उन्होंने जाति व्यवस्था पर करारी प्रहार किया और अंधविश्वासी हिंदू नेताओं और राजनीतिज्ञों को सबक सिखाया। कोल्हापुर में आयोजित एक सभा में उन्होंने दलित वर्ग पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिससे कोल्हापुर के तत्कालीन सम्राट शाहू चतुर्थ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ भोज का निमंत्रण दिया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय से प्रारंभ हुई। बाद में 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मुंबई विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। वे भारत के दलित वर्ग के पहले ऐसे छात्र थे जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था। 1912 में
उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त कर ली। 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य से 11.50 ब्रिटिश पाउंड की मासिक छात्रवृत्ति 3 वर्ष के लिए प्रदान की गई, ताकि वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में एक परास्नातक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर सके। जून 1913 में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोस्तों, उनकी डिग्री यहां ही समाप्त नहीं होती। अक्टूबर 1916 में उन्होंने कानून पढ़ने के लिए ग्रेजिन और अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने शोध कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। जून 1917 में वह भारत वापस लौटे, क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति की समय सीमा समाप्त हो गई थी। 1922 में उन्होंने लंदन स्कूल में इकोनॉमिक्स से एमएससी अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की तथा लंदन स्कूल में ही अपना शोध पत्र जमा किया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा का कोई अंत नहीं। आइए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। डॉक्टर अंबेडकर नृविज्ञान या मानव शास्त्र, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इस विषय के विद्यार्थी होने के कारण उन्होंने यह खोज की कि महार जाति के लोग मूल रूप से प्राचीन भारत के बौद्ध धर्मावलंबी हैं। अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और इसी संदर्भ में वह श्रीलंका भी गए। उन्होंने पुणे के समीप एक बौद्ध विहार के निर्माण में भी सहयोग प्रदान किया। साथ ही 1954 में वह बौद्धों के एक विश्वव्यापी सम्मेलन में रंगून गए और 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा अर्थात बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ताकि समाज के दलित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाया जा सके। उन्होंने दलित वर्ग को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया। 1927 में उन्होंने छुआछूत विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने महाद में सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य दलित वर्ग के लोगों को मुख्य पानी की टंकी से पानी लेने हेतु अधिकार प्रदान करना था। 1925 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी का सदस्य बनाया गया और यूरोपियन साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए कहा गया। इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया और इसके रिपोर्ट को अधिकांश भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। अंबेडकर ने भावी संवैधानिक संस्तुतियों के साथ अपनी एक अलग रिपोर्ट भेजी। दलित वर्ग में उनकी लोकप्रियता और प्रभुत्व को देखते हुए 1932 में उन्हें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन का खुलकर विरोध किया, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा करने से हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। अंबेडकर दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, जिस पर गांधी जी ने पुणे की यवदा जेल में 1932 में आमरण अनशन किया। संपूर्ण राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय और कांग्रेस राजनीतिज्ञों ने अंबेडकर और उनके सहयोगियों के साथ यरवदा जेल में गांधी जी से मुलाकात की। अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप अंबेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग छोड़ दी, किंतु दलित वर्ग के लिए कुछ सीटों के आरक्षण की मांग को जारी रखा। दोस्तों, इस समझौते को ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। अगस्त 1947 को देश आजाद होने के उपरांत वे भारत के पहले विधि मंत्री बनाए गए। 29 अगस्त 1947 में उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बनाया गया और स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने का कार्यभार सौंपा गया। अंबेडकर ने भारतीय आत्मा और पश्चिमी देशों के विकास के सिद्धांत को
आधार बनाते हुए संविधान की रचना की। उनके द्वारा लिखित संविधान में नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिनमें धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल थी। उन्होंने संविधान में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने संबंधी अनेक प्रावधान किए। उन्होंने स्त्रियों को आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान किए। प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था उन्हीं की देन है। दलित वर्ग को ऊपर उठाने और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने हेतु हमारे संविधान में अनेक प्रावधान उनकी ही सलाह पर किए गए। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 1948 में उनको डायबिटीज हो गया। 1954 में उनकी नजर भी कमजोर हो गई। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर में उनकी मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर को उनका दाह संस्कार दादर चौपाटी पर बौद्ध धर्म के अनुसार किया गया। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तित्व ने कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त किए। अंबेडकर की स्मृति में उनके निवास 26 अलीपुर रोड पर स्मारक का निर्माण किया गया। उनका जन्मदिन, जिसे एक सरकारी अवकाश के रूप में घोषित किया गया है, अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। मृत्यु के उपरांत 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके नाम से अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय श्रीकाकुलम, बी आर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर आदि। दोस्तों, उनके नाम पर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जिसे सोनेगांव एयरपोर्ट भी कहते हैं। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है और उनके धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को लाखों लोग उनके स्मारक पर मुंबई पहुंचते हैं। उन्होंने समाज को यही संदेश दिया, पढ़ो, आगे बढ़ो, संगठित रहो।